हेलो यूट्यूब गाइस, दिस इज़ अ विनोद कुमार और आपका एक बार चैनल पर फिर से स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी बाइक में फॉग लैंप कैसे लगा सकते हो, और ये 100% तरीका मैं बताने वाला हूँ। एकदम वायरिंग इसकी प्रॉपर बताऊँगा, और इसमें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा वायर की ज़रूरत पड़ेगी और एक्स्ट्रा स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको दो फॉग लैंप लगेंगे कोई भी जिसमें माइनस पॉजिटिव हो। तो आपको ये बहुत सस्ते में पड़ने वाले हैं और आप इसको खरीद के अपने आप घर पर लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसको पूरे वीडियो के जरिए पूरा तरीके से बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए, आपको आखिरी तक ये पूरी नॉलेज वाली जानकारी मिल जाएगी और आप इसको 100% अपने आप घर पे लगा पाए। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने 10-10 रुपये के दो क्लैंप ले लेने हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और इसका फॉग लाइट को ऐसे एडजस्ट कर देना है, आपका जैसे लेग गार्ड हो उस हिसाब से एडजस्ट करके आपने एक लंबा वायर लेना है, उसको दोनों इंडिकेटर के पॉजिटिव से जोड़ देना है। जोड़ के एक वायर बना लेना है इसको एक्सटेंशन करके, और आपने नेगेटिव वाले वायर के लिए भी सेम टू सेम एक वायर लेना है, मतलब दो वायर लेके उसको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद मैंने स्विच भी ले रखा है, ये इसके साथ ही आया था स्विच, तो इसमें से कोई भी इसको इंस्टॉल कर लेना है अपनी जगह पे। तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ अपनी जगह पे, मैं इसको हैंडल पे लगाऊंगा, इसके नट वगैरह खोल के इसको फिट करके फिर आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये मैंने अपना बटन लगा लिया है। बटन लगाने के बाद इसमें से कोई भी एक वायर निकालना है और उसको ले जाके सीधा सीधा पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है, जो पॉजिटिव आपने दोनों को इकट्ठा किया था उसको किसी एक इंडिकेटर के पॉजिटिव से ले जाके लगा देना है, और दूसरा नेगेटिव वायर इसका, जो दूसरा वायर बचेगा नेगेटिव नहीं कह सकते, इसको रखना है अपने साथ में, और जो इंडिकेटर का नेगेटिव वायर बच गया उसको एक्सटेंस करके उसको आपने इसके ग्राउंड कर देना है बॉडी से। बाइक की बॉडी देखो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आपने इसको ग्राउंड कर देना है, और या तो फिर किसी भी नेगेटिव उसमें लगा देना है। ये करने के बाद आपने उसका पॉजिटिव आपने इकट्ठा कर रखा है और उसका पॉजिटिव आपने जोड़ दिया है स्विच के पॉजिटिव के स्विच के एक वायर के साथ, और उसका दूसरा वायर उसका फ्लैश का कर दिया है नेगेटिव। तो आपने उसका जो एक वायर बच गया था उसका क्या बोलते हैं अपने स्विच का, तो उसको ले जाके इग्निशन के पॉजिटिव में लगा देना है, और पॉजिटिव में लगाने के बाद फिर आप इसको चालू करेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने जस्ट अभी अभी चाबी घुमा के इसको मैं चालू करने लगा हूँ, और ये एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, एकदम सिंपल वायरिंग है, कोई वो नहीं है। अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है तो मैंने इसका प्रॉपर डायग्राम बना रखा है, और डायग्राम बीच में भी दे रखा था, आपने उस डायग्राम के हिसाब से कर लेना है। और बाकी डायग्राम मैं इसको लास्ट में एक फ़ोटो की तरह दे दूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप डायग्राम से समझ सकते हो। तो बहुत आसान है बस। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो लाइट में जल चुकी है, तो आप लोग एक डायग्राम आगे मैंने बना रखा है, इसको आप फॉलो करके ऐसे आप कर सकते हो। इसमें मैंने दोनों फॉग लाइट का पॉजिटिव और स्विच के हिसाब से जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे मैंने प्रॉपर बता रखा है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अगर आपको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो, मतलब कि पूरा डिटेल वाइज देख सकते हो। और अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो आप मैकेनिक का हेल्प लीजिए, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। और एक राय मेरी और ये भी कि अगर आपका कोई भी अगर आप गलत कर रहे हो तो आप पहले इसको चाबी मत ऑन करना, चाबी ऑन करने से पहले सारी वायरिंग वायरिंग करके टेप टाप लगा के फिर आप चाबी ऑन करना, नहीं तो कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, फ्यूज वगैरह उड़ जाएगा, फिर थोड़ी और दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से कीजिए, और करने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं, इससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।